किया था ऑफिस, उसके बारे में कहा कि जो 7 और 9 तारीख का जो ऑर्डर था सितंबर का वो सेटिसफाई किया है, लेकिन लीगल और टेक्निकल मैटर है उस बारे में तो एक तो मुंबई की मेयर बोल सकती है, मुंबई कॉरपोरेशन जो है म्यूनसिपल उसके कमिश्नर साहब बोल सकते हैं। इससे पहले भी हमने कहा था वो जो एक्ट्रेस है उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई उससे हमारा कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है, ये बीएमसी की कार्रवाई है। तो अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है तो बीएमसी उसको जवाब देगी। मुझे इतना ही मालूम है ये जो कोई एक्ट्रेस है उसने मुंबई पुलिस को माफिया कहा था, यही लगता है केस है। क्या ये आज जो लोग उछल रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद पॉलिटिकल पार्टी के लोग, क्या ये उनको मंजूर है कि मुंबई पुलिस माफिया है? आप मुंबई में रहते हो ना, उसने ये भी कहा था उस लड़की ने कि मुंबई पीओके है, एक पाकिस्तान का हिस्सा है, क्या आप उससे भी मान्यता देते हैं? मैं कोर्ट से सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, कोर्ट तो बहुत भगवान है, मैं लॉर्ड, तो मैं लॉर्ड को कैसे पूछ सकता हूँ ये सवाल कि जिस तरह से महाराष्ट्र का मुंबई का अपमान एक लड़की करती है यहाँ आकर, उसको पॉलिटिकल समर्थन कुछ लोग देते हैं, ये कौन से कानून की किताब में लिखा है? अगर किसी जज साहब का किसी कोर्ट के बारे में हम अभद्र टिप्पणी करें तो उनके अवमान होता है, क्या कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है, तो क्या हमारे बारे में, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में कोई व्यक्ति इस तरह से अभद्र टिप्पणी करे, बात करे, तो ये सभी को प्रतिष्ठा नहीं है, उनका कंटेम्प्ट नहीं होता, उनकी बदनामी नहीं होती?